को और चीज के हमारे बाद यंगस्टर को। जी टुडेज परफॉर्मेंस वो लेथार्जिक, वो टायरिंग, टायर्ड, बिलो एवरेज, उर्दू में कहेंगे थकी हुई परफॉर्मेंस थी। जिस तरीके से इन्हें मोटिवेट होना चाहिए था पिछला वन डे, कन्विंस काइंड ऑफ कन्विंसिंग जीत के, कहाँ हमारे 200, जब हमारी छठी विकेट गिरी है उमर अकमल की 46 ओवर में, तो 244 रन था, तो वहाँ से अरबाना बॉल भी जाओ बिल्कुल तो आपके 280 280 कम अज़ कम होते हैं। बिल्कुल सही, 244। देखिए हिटिंग के लिए आपको उसने गेम चेंजर तो चाहिए चाहिए, आपको एक पावर हिटर भी नहीं है हमारे पास नीचे। इमाद वसीम है बट ऑन एंड ऑफ है, इज नॉट कंसिस्टेंट विद द बैट बॉल। येस टुडे ही स्ट्रगल विद द बॉल बट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द बैट। पावर हिटर वो थे फॉर इंस्टेंस आजकल की क्रिकेट में, जैसे अभी आज ही मैच देख लें इंडिया का, 25 पे 3 थे, अभी 8 ओवर बाकी हैं। हाँ, पच्चीस पच्चीस पे पे तीन तीन और थे जिस तरह और का 270 पे 3 ही है। धोनी 85 पे है, वो 140 कर गया, 21 चौके और युवराज 3 छक्के के, 8 4 5 6 छक्के मारे हैं उसने ऑलरेडी। ये होती है पावर हिटिंग के, जहां हम गेम चेंज कर दो। हमारे पास है नहीं पावर हिटर, रिजवान को या इमाद को, बल्कि जितना कम टाइम होगा अगर ये पावर हिटर है उनको उतना फायदा होना चाहिए, मगर इनको वो, और रिजवान चला गया अपने शैल में, 14 किया उसने 19 गेंदों पे। टेल के साथ खेलने का भी एक आइडिया होता है, एक कॉमन सेंस होती है वनडे क्रिकेट में, अगर टेल है तो मैंने किस बॉल पे चांस लेना है, किस पे सिंगल लेनी है, मैंने क्या करना है, वो आइडिया इन लड़कों को नहीं है, वो आएगा एक्सपीरियंस के साथ। सकलान भाई, आप पे आते हैं। 263 जो हमने स्कोर किया है उसमें 152 हमारे इस मैच में डॉट बॉल्स थे, डॉट बॉल रहे। और अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें, सिर्फ एक प्लेयर था जिसने 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से आज बैटिंग की है, सिर्फ दो प्लेयर थे जो 85 के स्ट्राइक रेट से ऊपर वो बैटिंग कर रहे हैं। वही जब हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, अगेन क्या हम जैसे अभी हम कंपेयर वसीम भाई कर रहे थे विद द मैच जो इंडिया का दूसरी तरफ जो इस वक्त जा रही है, तो कहाँ जा रही है हमारी क्रिकेट अगर जहाँ हम रन करने, हफीज खुद आगे कह रहे हैं कि 300 होने चाहिए थे, वो नहीं हुए, कहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को जाते हुए आप? देखो ऑलमोस्ट 40 ओवर तक तो आपको जो है रिंग से बाहर सिर्फ चार, पहले 10 में 2 जाते हैं और 40 तक जो है वो 4 होते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स ना हो। अगर आप स्किलफुल बॉलर हैं तो तभी आप बच पाएंगे, और अच्छी फ्लैट विकेट हो और आप स्किलफुल बॉलर नहीं हैं तो आपको 5 6 रन्स करना बहुत आसान है, क्योंकि किसी छोटा भी जगह सेन, हाँ, किसी भी जगह आपके पास प्रोटेक्शन इतनी है ही नहीं है। अगर आपने एक साइड पैक की हुई है और विकेट अच्छा है तो बैट्समैन के पास इतने गैप्स हैं कि वो मनूवरिंग आराम से कर सकता है और आपको जो है कहीं पे भी वो बाउंड्री लेके बाउंड्री फाइंड आउट कर सकता है। अगर जैसे इमाद की मैं आप बात बात करूंगा, 4 जो बाउंड्री पे उसने रखे हुए थे, मिड ऑन मिड ऑफ, इधर से डीप पॉइंट कवर और जो स्क्वायर लेग था, स्क्वायर लेग थोड़ा वाइडिश था। अब ये इतना बड़ा गैप है, एक गेंद भी गलत होगा आपका चौका लग जाएगा, और अगर आप ऑफ साइड पे कर रहे हैं थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे, अगर आपका टर्न नहीं है थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे, बीच में आपके गैप है, मिड ऑफ पीछे रखा हुआ है, इधर से सिंगल है, इधर से सिंगल है, मिड ऑन के ऊपर सिंगल है, बीच में आए नहीं, और गेंद की अगर आपने थोड़ी सी पेस कम की नहीं है, इतना बड़ा गैप है चौका छक्का इधर मिलने के लिए बड़ा आसानी से, और फिर आप अगर टैप कर देंगे तो वो भी, फास्ट बॉलर के लिए भी इसी तरह। तो अच्छी विकेट के ऊपर 300 रन करना ये समझ लें कि लाजमी है, फर्ज हो जाएगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। ये 263 जो किया हमने, और वो कितने मजे से आराम से खेल के गए हैं, जो जो रूल्स आ गए हैं ये बैटिंग को बड़ी हेल्प करते हैं, और हमें जो है ना उनको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा अभी तक। और वो क्यों नहीं आ रहा? अगेन हम बात करें मैं तो ये समझता सपोर्ट हूँ स्टाफ कि का। हाँ, देखिए उमर अकमल ठीक है, हमने बात की ऊपर से, मैं ये नहीं कि मैं इसकी फेवर में बात करूंगा, डेफिनेटली जब कोई बंदा अंदर आता है उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो कहता है यार मैं पहले अपने पाँव जमा लूँ, पहले मैं अपने लिए खेल लूँ, पहले 2 4 मैच इसके अपने लिए होंगे, जब तक इसकी कोई एक इनिंग्स ऐसी सॉलिड ना हो जाए जिससे जो है वो एक शेल से बाहर निकले, फिर जाके जो है वो टीम का हमारे सोचेगा। यहाँ तो ऐसा होता है कि जब हाँ, तक वो इनिंग्स होगी तब तक शायद वो टीम में ना हो, अब देखे ना, यहाँ पे मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी बात की कि हर टेक्निकल फॉल्ट से पहले मेंटल फॉल्ट है, और क्योंकि दिमाग जो है ये बहुत बड़ी पावर है, और इसकी हिफाजत करना और इसको सही यूटिलाइज करना बहुत बड़ी स्किल है। गेंद और बल्ला ये दूसरी चीज़ें हैं, गेंद बल्ले से पहले दिमाग चलता है, अगर दिमाग उड़ गया गेंद बल्ला कहीं काम नहीं आएगा, तो ये गेम सारी दिमाग ही है। स्मिथ ने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया अपने दिमाग को, बड़ा कूल रहा, बड़े मज़े से उसने चारों तरफ मनूवरिंग भी की, जहाँ बाउंड्री चाहिए बाउंड्री भी। अभी जो इंडिया के मैचेस हो रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं, युवराज आया है, कम बैक है उसका, तो देख लें कितना बड़ा उसने नॉक किया अभी आज, और एक नया लड़का जो उन्होंने रखा है जिसने पिछले मैच में 130 35 40 यादव किया है, हो यानी जब भी आप बड़ी इनिंग्स खेलोगे वो आपके दिमाग की, आपके बिलीफ की, आपके कंट्रोल की, आपके स्किल्स की तर्जुमानी करेगा, फिर जाके आप उसने स्किल्स 300 भी तो करेंगे। किया तुम्हारे खिलाफ, सेम लड़का किसने? है ना?
और क्या उसने जबरदस्त बैटिंग की है छोटू सा है बट यू नो कट पुल सीधी। अभी एक और अभी हम प्रैक्टिस मैच खेले हैं उनके अंडर 19 एक लड़का था लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था नाम बड़ा मुश्किल सा था मेरे जिन से निकल गया कमाल उसका मुश्किल नाम हो सकता है काफी मुश्किल काफी एक तो मैं हमेशा पेन और पेंसिल इसीलिए रखता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी मेरा तो याद नहीं स्कीपर आ गया वैसे आप टेस्ट भी लेते हैं वैसे आई थिंक थर्ड सेगमेंट तक है स्कोर कार्ड का टेस्ट भी लेते हैं आप सबने हां उसको सबका लेना है मैंने टेस्ट हां बिफोर द टेस्ट आज जी वैसे कुछ याद करना की बात जो हो रही है ना कि वंस यू रीड द पिच के ये 300 का पिच है तो वो 300 का पिच ही रहता है अगर हम बाकी टीमों को जब हम इंडिया के वनडे की बात करते हैं तो 25 पे 3 है लेकिन उनको पता है 350 का पिच है बाकी बैट्समैनों ने भी वैसी ही बैटिंग करनी है हमारा प्रॉब्लम है कि एक दो ऊपर से आउट हो जाए हम फौरन 250 पे आ जाते हैं दो ओवर आउट हो जाते हैं हम 225 पे आ जाते भाई इतना ही कर लें तो पिच तो वही है ना उन्होंने तो इसी पर बैटिंग करनी है तो हमारा माइंड सेट वहाँ पर चेंज होता है कि एक पाइन आउट हो गया तो अब मैं ज़रा आराम से खेल लें हमारा प्रॉब्लम असल प्रॉब्लम ये है अपने ऊपर नहीं लेते हैं वो आउट हो गए ना अब मैं ज़रा रोक के हम खेल लें और वहाँ पर हमारा प्रॉब्लम आता है हालांकि बैटिंग देखें उस तरह तो हमारे 8 नंबर तक अगर रिजवान है हमारे पास आमिर भी बैटिंग उसमें कर लेता है तो थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है कि यार ठीक है की बात भी को बिल्कुल एग्री करूंगा मगर ये अगर इनकी ये सोच है ये माइंड सेट है तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है या जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको सब पता है सब पता चल जाता है तो ये जेन के अंदर इनके होना चाहिए क्लियर आप जो बात कर रहे हो 10-15 ओवरों में रन बॉल 40-50 करना टेलेंडर भी आपको करके दे सकते हैं ना वहाँ पे आपको चाहिए प्लेयर जो तगड़ा खेले आके इनका स्ट्राइक रेट 150-200 का हमारा तो वही हम 70-75 पे फंसे हुए रन बॉल मुश्किल से हमारे तो जब वो दोनों खेल रहे थे इवन शजील खान जब बैटिंग कर रहा था बाबर आजम वहीं पे लग रहा था 300 होना चाहिए इस पिच के ऊपर अब ये नहीं कि दोनों ने ही 300 करना है जो बाकी आ रहे हैं उनका भी वही रोल है वही मोमेंटम शजील खान की बात की उनकी इनिंग्स पे नजर डालते हैं आपकी जो एक बात थी जो मुझे कंक्लूजन पे जाना था उसकी तरफ ऑस्ट्रेलिया में कुछ हम वीकलिंग्स देख रहे हैं सिलेक्शन के ऊपर बार बार अगर आज हमने देखा मैच में एडम जैम्पा पे कैमरा जा रहा था कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि ये इनके 2016 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे 2017 में इनको अभी तक एक मैच भी नहीं मिला अब और काफी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर चॉपिंग एंड चेंजिंग हो रही है टीम के अंदर कुछ रेस्ट मिल रहा है नए प्लेयर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली जो दे नो व्हाट दे आर डूइंग ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर एडिलेड टेस्ट के मैच उनको अथॉरिटी दी गई है स्टीव स्मिथ और डेविन लीमन को कि आप अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करें और आपको जो लोग चाहिए उसके साथ अपने जो आपका माइंडसेट उसके साथ जाएं तो ये माइंडसेट जो आप देख रहे हैं जो आपके T20 के जो भरमार भरी हुई है टीम में या बॉलिंग ऑन ऑर्डर्स और वेट समेत वेट को आपने रन कराए लेकिन इतना इट्स नॉट गुड इनफ प्लेयर टू सस्टेन ऑन दैट काइंड ऑफ अ लेवल अगर यहाँ पर थोड़े से भी सियाणे होंगे तो आप उसको ले जाएंगे लेकिन देर इज़ अ प्रॉब्लम विद इन द ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम को देखिए अगर वर्ल्ड क्लास है तो फिर इंडिया में वर्ल्ड क्लास बन के दिखाएं अगला टूर इंडिया में भी है वर्ल्ड क्लास बन के दिखाएं इफ नॉट ये सारा यही कह रहे हैं कि 3-0 हार के आएंगे तो लेट्स चेंज दिस और अगर इस टीम के साथ अगर आप जाते हैं और जैम्पा को आप नहीं अभी खिलाते और जैम्पा को सेव करते हैं ऑस्ट्रेलियन टूर इंडिया टूर के लिए देन इट्स बिट टू लेट इन अ डे कि उसको चांस नहीं अभी तक मैक्सवेल ने भी एक ओवर भी नहीं कराया ओडीआई सीरीज में मैक्सवेल तो देखिए अब आपके पास एक ट्रेविस हेड है आपके पास तो उससे ही आप ऑलमोस्ट नया बॉल करा भी देते हैं आप उससे और रन बहुत ठीक ठाक किस्म के देता है वो लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम डिसइंटीग्रेट लगती हुई नजर आती है मुझे और मुझे ये टीम इतनी कमाल की टीम जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो सेरा मैं खेला हूँ उसके लेवल की नहीं है सो आई थिंक दे विल स्ट्रगल इन हिंदुस्तान ठीक है चलें जी।